अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज मेरे साथ नदीम अशरफ साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल है? सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, बहुत खुशी हुई यहाँ आने की, बहुत अरसे बाद। अच्छा, मैंने उर्दू वीडियो काफ़ी देर हुई उर्दू वीडियो नहीं की, ठीक है। उर्दू चैनल मेरा जो है ना डेड पड़ा हुआ है अभी। अच्छा, डेड है, फुली डेड है। अच्छा, और जनाजा भी कर दिया आपने? नहीं नहीं, इंशाल्लाह यही। अच्छा, तो कोशिश है आज की, जनाजा उसका ना हो। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम एक सीरीज करने जा रहे हैं, छोटा सा सीरीज ऑन सम की टॉपिक्स इंशाल्लाह। तो पहला टॉपिक जो हमने आज जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है वो है मैस्कुलिनिटी। हाँ जी, ठीक है ना। अभी वेस्ट में मर्दानगी कह लें आप, ठीक है ना। हाँ, मर्दानगी वो जो तलफ़ उर्दू जो क्लासिकल उर्दू में, मेरे ख्याल अभी बाद में कॉमेंट्स में बता सकते कि इसकी क्या है असल उर्दू, यू नो, शायरी उर्दू, इकबालियात उर्दू, लेकिन मैं हर मर्दानगी ठीक हो गया, ठीक है, ताकि लोगों को समझ। मर्दानगी मैस्कुलिनिटी, ठीक है ना। हाँ। तो यूके में, वेस्ट में अभी काफ़ी इस पे गुफ्तगू हो रही है, ठीक है ना। लोग काफ़ी इस पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली फेमिनिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आजकल एक कुछ नई मूवमेंट्स भी चली हुई हैं, ठीक है ना। कुछ उसको लोग काउंटर करने के लिए, हाँ, उसको काउंटर करने के लिए। अच्छा। लेकिन वो भी काफ़ी एक्सट्रीम है अपनी तरफ से, ठीक है ना। होता तो यही है ना कि जब कोई मूवमेंट होता है जैसे फेमिनिज्म या जो भी, तो उसको काउंटर के लिए दूसरे लोग दूसरे एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एग्जैक्टली, तो ये अच्छा। हाँ, नॉर्मली रिएक्शंस जो होते हैं वो एक्सट्रीम ही होते हैं, ठीक है ना। हिस्टोरिकली आप देख लें, रिएक्शंस ऑलवेज आर एक्सट्रीम। तो उसके ख़िलाफ़, फेमिनिज्म के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चली हुई हैं वो, या जो इंडिविजुअल्स हैं उसके अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं, काफ़ी उनके परस्पेक्टिव जो है काफ़ी एक्सट्रीम है, ठीक है ना। तो एंड्रू टेट एक इंडिविजुअल है, ठीक है ना, काफ़ी लोग जानते होंगे उसको, मानते हैं, जानते हैं, यंग तो उसको एक आइडल समझते हैं। एग्जैक्टली, उसको रोल मॉडल समझते हैं। तो यस, बहुत पॉपुलर। देखिए, उसने कुछ बहुत अच्छी बातें की इस्लाम के बारे में, ठीक है ना। और जेन्युइन तारीफ की है। हाँ, तारीफ जेन्युइन की है। लेकिन मसला ये होता है कि जब भी हम किसी गैर मुसलमान को देखते हैं, उसको इस्लाम के बारे अच्छी बातें सुनते हैं, करते हुए सुनते हैं, तो हम उसकी तरफ ना, हमारा एक रुझू हो जाता है, हम उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। हम कहते हैं, हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये जो भी कह रहा है सब अच्छा है, अभी सब सच उसका है, गलत भी सच सही है। हाँ, तो ये हमें केयरफुल रहना चाहिए इस लिहाज से कि देखें, बहुत सारे लोग अच्छी बातें, नॉन गैर मुसलमान अच्छी बातें इस्लाम के बारे करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ जो कह रहे हैं वो सब सच है, ठीक है ना। या हम उनके कायल हो जाएं कि हम उनको एक रोल मॉडल बना लें, हम उनको मुफ्ती साहब बन गए हमारे नॉन मुस्लिम मुफ्ती साहब, ठीक है ना, हम उन्हें आइडलाइज करने लग पड़े। हमें इससे केयरफुल रहना चाहिए इस बात से, ठीक है ना। एंड्रू टेट जो है अभी, उसका काफ़ी फेमस हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, तो उनका जो पर्सपेक्टिव है औरतों को लेके, ठीक है ना, काफ़ी एक्सट्रीम है, काफ़ी फ्रॉम मेनी परस्पेक्टिव्स। और लास्ट टाइम मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, किसी ने कहा था कि एंड्रू टेट ने कहा है, मैंने भी चेक, मैंने कोशिश की इसको वेरीफाई करने के लिए। अच्छा। लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं अभी तक, लेकिन उन्होंने कहा था कि किसी वीडियो पर उन्होंने कहा कि जो हिजाब है वो ऑप्रेसिव है, ठीक है ना। और जनरली, हाँ, वही बंदा। और जनरली जब वो मुसलमान जी जनरली औरतों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, वो मैस्कुलिनिटी दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसको, यू डोंट नीड टू अंडरमाइन वुमेन टू बी मैस्कुलिन, राइट, दैट्स द की पॉइंट। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि औरतों को अंडरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है एक आदमी को मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए, ठीक है। तो उस पर मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि मैस्कुलिनिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है मैस्कुलिनिटी का, ठीक है ना, या मर्दानगी का, ठीक है, पाकिस्तान में अभी, यहाँ पर वेस्ट में तो जो मर्द है उस पर काफ़ी ऑप्रेशन है, ठीक है ना, फेमिनिज्म की, और वो जॉर्डन पीटरसन जो है उसके बारे में बहुत बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान में ये मसला मुझे नज़र नहीं आता, मुझे ऑपोजिट चीज़ नज़र आती है जनरली स्पीकिंग, विच इज़ पाकिस्तान में जो मर्दानगी का कॉन्सेप्ट है वो आप ही बताएं हमें कि क्या जनरली, अगर हम आर्किटाइप पेंट करें अभी ऑडियंस के लिए, ठीक है ना, कि जो कॉन्सेप्ट है मैस्कुलिनिटी का पाकिस्तान में वो क्या है, वो आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि आई मीन डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप शहर में और होगा, और जो रूरल एरिया में, गांव में, ठीक है, इन इलाकों में, देहात इलाकों में कुछ और होगा, शायद हो सकता है। अगर मैं देहाती इलाकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर तो वाकई मानना पड़ेगा कि हमारे सिस्टर्स पर, हमारे मतलब हमारे सिस्टर्स जो हैं उन पर जुल्म हो रहा है। वहाँ पर एक चौधरीपन का एक हाथ है, यू नो, बड्डा चौधरी, यू नो, जैसे कहते हैं वहाँ पर, कि औरत घर में रहे, बाहर नहीं जा सकती,
और मतलब वो कोई अपने एक्सप्रेशन नहीं कर सकती, मे बी कुछ लोग कहेंगे ये स्टडी भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो डर डर होता है कि अगर वो पढ़ेगी चाहे इस्लामिक या नॉन इस्लामिक तो वो उसका नॉलेज बढ़ जाएगा, तो वो फिर मुझे मेरा पावर को क्वेश्चन करेगी, मेरी अथॉरिटी को सवाल करेगी, तो शायद ये डर है। तो वहाँ पर तो बहुत ही मतलब वो है कि इमेज बना है कि यू नो मुच्छे पहन के पगड़ी पहन के ओए मैं घर आ गया, यू नो रोटी रोटी कहाँ है, यू नो ये इस तरह। तो ये आई मीन इस्लाम में तो ह्यूमिनिटी होनी चाहिए। एक मतलब हम ये नहीं कह रहे, एक होता है अल्फाज है कि एक रो बहुत होता है। मैं ख्याल अगर हम उमर ख़त्ताब की एग्ज़ाम्पल दें तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि उन्होंने अपने फैमिली में ना एक होता क्या कहते हैं उसको, हंटर कहते हैं, चाब आई थिंक इसको चाबुक घर के एंट्रेंस पर रखा हुआ है। अच्छा। मतलब फैमिली दिखाने के लिए कि एक रोब है, कि एक मर्द है, एक रोल है। इसका यह मतलब है कि ही मतलब वो नफ़ा करते अपनी वाइफ से या बच्चों से, लेकिन वो एक मर्द का एक रोब होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल वही मसला आ रहा है कि पाकिस्तान में शायद इन इलाकों में रोब को ज़्यादा ही हो गया, वो ओवर टॉप रोग हो गए। मतलब हर वक्त सीरियस रहना, हर मतलब कोई मशवरा नहीं करना बच्चों से फैमिली से। तो जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने 5 साल गुजारे हैं, ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ऑफकोर्स चेंज हो गया होगा, मैं ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं कहना चाहता कि अभी तक है, मे बी स्टिल डिफरेंट, लेकिन अभी जहाँ तक मैं जानता हूँ लोग बताते रहते हैं अभी भी वो है, जाहिलियत है, लैक ऑफ इस्लाम है। तो एंड ये भी कह सकते हैं कि दे आर मोर बॉदर अबाउट कोड, मतलब एक अपने गांव का एक एरिया कोड होना चाहिए, ये मेरा कोड है, इस्लाम को सेपरेट रखा है। एक किस्म में सेकुलरिज्म हो रहा है, यू नो कि लोग हाँ इस्लाम ठीक है जुम्मे के दिन ये दिन, लेकिन हम वही करेंगे जो मेरे अब्बा करते थे, जो मेरे परदादा करते थे, हम घर को ऐसे चलाएंगे, आपका जगह यहाँ है, मर्द का जगह यहाँ है, तो इस तरह की बातें हैं। ठीक है, तो और ये तो आपने विलेजेस का बता दिया, छोटी जगह का बता दिया, जो रूरल जगह हैं ज़्यादा कल्चरल हैं अभी भी। हाँ, सिटीज़ में आई थिंक सिटीज़ में आई बी ऑनेस्ट सिटीज़ में वो there's a lot of I think बहुत disrespect है towards sisters। मेरा इसका क्या मतलब है कि जब for example from a student angle या अगर कोई लड़के मर्द बैठे हैं अभी तक भी, मतलब वो लड़की को एक औरतों को एक नाम देंगे, for example बच्ची जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो काफ़ी ये हमारे मुसलमान यूथ हैं, तो ये तो सुभानअल्लाह बिल्कुल ही मतलब किसी अखलाक के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो क्योंकि मेरे ख्याल जब लड़के पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं रेस्टोरेंट पर, ढाबे पर, यूनिवर्सिटी कैंपस पर, तो वो अभी भी हर लड़की को मीट समझेंगे, जस्ट लाइक वेस्ट में यू नो वो कभी करेंगे, तो वो समझते हैं कि ये एक्सप्रेस करना चाहिए। तो अगर बंदा एक्सप्रेस नहीं करेगा, अच्छा तू फिर लड़कियों को नहीं पसंद करता, मतलब फिर वो स्टिग्मा बन जाता है। तो इवन अगर लड़का वो रिलक्टेंस होकर नहीं, यार हम लड़कियों क्यों डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको एक मीट की तरह क्यों समझ रहे हैं, उनको एक कमोडिटी क्यों समझ रहे हैं, राइट, इंसान क्यों नहीं सर डिसरिस्पेक्ट, और चिप कर यार तू क्या जानता है, अच्छा तू फिर यू नो वो मसला हो जाता है, पीपल वॉन्ट टू बी अप्रूव्ड, वो स्टेटस एंड वैलिडेशन ये हो रहा है। तो आई थिंक ये दो कुछ मुझे कुछ पता है, मे बी आपने कुछ नहीं, और नहीं, बड़ा सुना होगा, आई थिंक ये मसला है मेन चीज़ जो जो आई गेस हम कहना चाह रहे हैं कि देखें जो मैस्कुलिनिटी है ना उसका डेफिनेशन हम अगर बाहर ढूंढने जाएंगे ना ये गैर मुसलमानों से या आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ठीक है वहाँ पे हमें सच्चाई नहीं मिलेगी ठीक है ना एक कॉन्सेप्ट मिलेगा एक आइडिया मिलेगा जिसके फाउंडेशंस आप देखेंगे मटेरियलिज्म में मिलेंगे आपको ठीक है या एक रिएक्शनरी आइडिया मिलेगा आपको फेमिनिज्म को जो फेमिनिज्म से खुश नहीं है उसकी उसको देख के उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं जो लोग वो रिएक्शन मिलेगा आपको ठीक है ना इट्स अ मिक्स बिटवीन मटेरियलिज्म एंड फेमिनिज्म रिएक्शन टू फेमिनिज्म एंड द प्रॉपिंग ऑफ मटेरियलिज्म आप देखेंगे एंड्रू टेट ले लें किसी और को भी ले लें ऑनलाइन जो आजकल मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं तो देखेंगे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं पैसे की बात कर रहे हैं पैसा बनाओ ये करो पावर ये अब अगर आप इन चीज़ों को देखें ठीक है या जो आपने विलेजेस में बताया जो अपोजिट है इससे अब ये आइडियाज ले लें और इसको अगर आप कंपेयर करें ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के साथ ठीक है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ ए रियल मैन और बड़ा जबरदस्त बैलेंस था वो अगर आपको एक आइडियल चाहिए एक मॉडल चाहिए ना मैस्कुलिनिटी का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें आप ठीक है ही वाज अ मैन लेकिन पैसे की क्या मायने थी वैल्यू थी उनके लिए ठीक है वो जी अबामा नहीं उनको पैसे का शौक नहीं ऑफर मिला था हर चीज वो तो उनको तो वुमेन ऑफर मिली थी और पावर की ऑफर मिली थी लेकिन आई डोंट और देखें उनकी ट्रीटमेंट क्या थी जो औरतें थी उनकी उनकी वाइफ्स थी जो उनकी बेटी थी क्या कैसे ट्रीट करते थे उनको ठीक है क्या वो वाज ही नॉट द मैन ऑफ द फैमिली नहीं वो हेड थे फैमिली के
और जो प्रैक्टिस था जाहिलियत की कि कोई लड़की हो उसको दफनाना, ये रसूल सल्लम उनके खिलाफ शुरू किया था उन्होंने। मोहम्मद सल्लम ने हमें साफ साफ दिखाया है कि औरतों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। Yet you are still the without compromising. Yeah, of course, without compromising anything as far as a man. ठीक है, तो उनकी लाइफ को स्टडी करें। जो यंग ब्रदर्स हमें देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रोल मॉडल लें। मैस्कुलिनिटी अगर आपने स्टडी करनी है ना, तो उनको रोल मॉडल लें। और मैंने इसके ऊपर काफ़ी सोचा है पिछले कुछ महीनों में, और मेरे जो जहन में आता है ना, तीन डीज मैं कहता हूँ उनको, ठीक है, ऑफ मैस्कुलिनिटी, थ्री डीज ऑफ मैस्कुलिनिटी, ठीक है। पहली चीज दाल खाएं, अच्छी है, ठीक है, दाल खाएं, ज्यादा गोश्त ना खाएं, गोश्त ज्यादा सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता, लेकिन तीन डीज हैं, ठीक है। पहली जो डी है ना, फॉर मैस्कुलिनिटी, फॉर मैनहुड, फॉर मेन, अच्छा, डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, उर्दू में आप कहेंगे उसको मकसद, ठीक है, मंजिल आपकी, क्या आपकी मंजिल क्या है, आपका मकसद क्या है, विजन क्या है। एक मर्द को डायरेक्शन की, पर्पस की, ठीक है ना, बहुत ज़रूरत है। अगर आज नहीं, अगर नहीं है तो नहीं, आप देख लें, अगर नहीं है तो आप आज की अलकी सोसाइटी देख लें, ठीक है ना। मैन आर लॉस्ट बिकॉज दे डोंट हैव डायरेक्शन। वेस्ट में तो यही मसला है। अभी आप पाकिस्तान में भी देखेंगे, स्पेशली यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे देखेंगे, जो यंग ब्रदर्स हैं काफ़ी कन्फ्यूज हैं अपनी आइडेंटिटी को लेके, ठीक है, डायरेक्शन को लेके, दे लॉस्ट, क्योंकि उनके पास मकसद साफ नहीं है उनका ज़िंदगी का। और मकसद कहाँ से मिलेगा आपको? अगेन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, उनका मकसद क्या था, उनका मकसद आप ज़िंदगी का देखें, जो उनको ड्राइव करती थी। बड़ा क्लियर मकसद था, बड़ा क्रिस्टल क्लियर मकसद था। एब्सोल्युटली, पहली चीज़ क्या थी, फंडामेंटल चीज़ क्या थी? रिलेशनशिप विद अल्लाह, वर्शिप अल्लाह, रिलेशनशिप विद अल्लाह, एग्जैक्टली, इबादत उसी के लायक, इबादत, मतलब अल्लाह को जानना, अल्लाह की इबादत करनी, ठीक है ना, जो दावत है इस्लाम की, वो उस पर फोकस करना है। उनका मकसद साफ था उनके लिए, ठीक है। उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनका जो एसेंस है ना, आप जब उनके बारे में पढ़ते हैं, मोहम्मद सल्लम के बारे में पढ़ते हैं, तो पहली चीज़ जो स्ट्रेंथ उनकी नज़र सामने आती है ना, वो इस तौहीद से आती है, जो उनका कनेक्शन था अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़, वो कभी भी ना, यू नो, लेज़ीनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये जो चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में आपको नहीं मिलेंगी। He was go and do, ठीक है ना, कभी भी ब्रेक नहीं लेनी, कभी भी लेजी नहीं होना, वो बस उनके पास मकसद था, उस पर फोकस किया था। और उनके उनकी टीचिंग, मतलब काफ़ी टीचिंग्स हैं, काफ़ी हदीस हैं, उनमें से ये है कि जो मर्द है उसको, मतलब स्विमिंग करना चाहिए, उसको हॉर्स राइडिंग करना चाहिए, आर्ची का, मतलब ये चीज़ें, रेसलिंग एक्टिविटीज, एक्टिव रेसलिंग्स वाला, बल्कि यू नो उन्होंने अपनी दावत में भी यूज़ की थी, राइट, एक चैम्पियन रेसलर था मक्का में, तो रसूल ने कहा था अगर मैं तुम्हें हरा दूँ कि तब क्या तुम इस्लाम कबूल करेंगे, तो जब उन्होंने किया तो उन्होंने हराया था, तो उन्होंने रसने कहा था ये तो लक है आपकी, तो फिर एक दफ़ा फिर थ्रू मे अगेन एंड जो चैम्पियन रेसलर था, जो मुशरिक था, उसने इस्लाम कबूल किया। तो प्रोसेस हम वही जो आप बात कर रहे थे कि औरतों की राइट्स, हम्बल बनना, नरम बनना, माँ की क्या अहमियत है, सिस्टर्स को कैसे ट्रीट करना, ये सब कुछ है, लेकिन फिर ये नहीं कह सकते कि ओ प्रोफेसर तो बहुत ही मतलब कमज़ोर से, क्योंकि एक ये भी है ना कि बड़े मीठे से साय पे बैठ के मस्जिद मस्कीन से, नहीं नहीं, वो ये वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जी, ये चीज़ सिखा रहे हैं कि हमें ये भी करना है, हम बी स्ट्रॉन्ग, हाँ, स्पीक द ट्रूथ इवन अगेंस्ट यू, अगर आप अगर सच्चाई बोलो, अगर अपने आप के खिलाफ भी जाना है, मतलब सुभानअल्लाह, ये मतलब इस पे करते हैं एक डी में ना, अच्छा, वो आएगा भी, अच्छा, इंशाल्लाह, ये बात, तो पहली डी जो है ब्रदर्स, इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन अपना ढूंढें, आपका ज़िंदगी का मकसद ढूंढें, साफ करें अपने आप के लिए, ठीक है ना, सिट डाउन, थिंक अबाउट इट, और उस पर चलना शुरू कर दें, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है एक मर्द के लिए। आजकल की सोसाइटी देख लें, डायरेक्शन नहीं है, मैन आर लूजिंग दे वे, दे लॉस्ट, ठीक है ना, तो ये चीज़ पहली। दूसरा डी जो है डिज़ायर्स, अपने डिज़ायर्स को, अपनी शाहवात को कंट्रोल, नफ्स को कंट्रोल करें, ठीक है। एक मर्द के लिए अपने आप पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आजकल हम क्या देख रहे हैं, स्पेशली अमंगस्ट द यूथ, जो यूथ हैं, जो डिज़ायर्स हैं, ठीक है, उनके डिज़ायर्स हर डायरेक्शन से पंप हो रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, बाहर जाएंगे बिलबोर्ड्स पे देखेंगे, हर जगह पे, ये जो सोसाइटीज़ हैं हमारी, औरत को यूज़ कर रही हैं एक मर्द को कमज़ोर बनाने के लिए, इन मैनी फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव, एग्जैक्टली। अब यूनिवर्सिटी कैंपस में जाता हूँ, पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूँ, 10 साल में मैंने देखा है एक ट्रेंड है। शुरू में जब मैं जाता था, जो ब्रदर्स थे यूनिवर्सिटी में, आईसॉक्स में, वो लीड कर रहे थे, ठीक है ना, सब कुछ उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है ना,
और अच्छे तरीके से लीड कर रहे थे. एक अगेन एक क्वालिटी एक मर्द की के वो लीडरशिप की क्वालिटी जो बहुत जरूरी है वो सब कुछ रन स्मूथली कर रहे थे. सिस्टर्स प्ले देयर रोल राइट, दे हैड अ रोल, वेरी सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि जो सिस्टर्स हैं उनके पास स्किल्स हैं कि उनकी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं बहुत अच्छी हैं. ठीक है, कमिटमेंट एग्जैक्टली, आप तो जानते हैं आपके पास जो सिस्टर वॉलंटियर्स आपको जानते हैं. ठीक है, लेकिन ब्रदर्स का जो रोल था वो निभा रहे थे, वो कर रहे थे पूरा अपना रोल. वो अथॉरिटी वाला काम है ना, जो लीडरशिप वाला डिसीजन वाला काम वो बाकी ब्रदर्स का होता था. लेकिन अब मैं पिछले मैं 2-3 साल से देख मैंने नोटिस किया, अभी जब मैं कंपेयर करता हूँ पिछले 2-3 साल 10 साल पहले से के साथ, तो अभी ब्रदर्स जो है बैक सीट ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बल्कि सीट ले रही, लेजी ले ही नहीं रहे हैं सिस्टर्स भी नहीं. और सिस्टर्स को देयरफॉर सिस्टर्स हैव टू स्टेप अप एंड डू दोस थिंग्स राइट. सो यू कांट ब्लेम द सिस्टर्स फॉर इट, यू हैव टू ब्लेम द ब्रदर्स फॉर इट, क्योंकि वो नहीं कुछ कर रहे. ठीक है ना, तो ये सोसाइटी में देखिए इसका एक फंडामेंटल रीजन ये है कि हम जो है ना ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सोसाइटी है ना आजकल की, जो भी हमें चाहिए, जो भी हम डिजायर करते हैं इंस्टेंटली हमें चाहिए. ठीक है, पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, वो क्या करे, वो एक मर्द को ना कमजोर बना देती है बहुत सारे लिहाजों से, फ्रॉम एवरी परस्पेक्टिव. ठीक है, डिस्ट्रॉयज फैमिलीज राइट, डिस्ट्रॉयज योर मेंटल स्टेट, योर बैलेंस, सब कुछ. इसमें हम सेपरेट वीडियो भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ. तो डिजायर्स को कंट्रोल करना एक मर्द के लिए बहुत जरूरी है, अपने डिजायर्स पे काबू पाएं. ठीक है, दैट्स इनर स्ट्रेंथ. अब जब ये करेंगे ना आप नोटिस करेंगे, यू विल गेट दिस इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक यकीन अपने आप पे आएगा, एरोगेंस नहीं होगा लेकिन एक स्ट्रेंथ आएगी अंदर से. ठीक है, वो डेवलप करें. और जो तीसरा डी है वो है डिस्पोजिशन. अच्छा, डिस्पोजिशन का मेरा मतलब है आपका अपना कैरेक्टर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, अब दूसरी चीज अगेन हम देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, कैरी कैसे करते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. अच्छा, ठीक है, आपकी मैनर्स कैसे, पर्सनालिटी क्या है. ठीक है, अच्छा, अगेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लाइफ, ही वॉज द बेस्ट कैरेक्टर, बेस्ट ऑफ मैनर्स. ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने सीखना है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें कैसे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी अपनी फैमिली की, अपनी सोसाइटी की, हर चीज की. ठीक है, अगेन दिस इज एक बहुत की इंग्रीडियंट है मैस्कुलिनिटी का, कि आप अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करें, अपने अखलाक के ऊपर काम करें. ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. और ये कमजोरी का मायने नहीं है, लोग समझते हैं अगर मैं हम्बल बनूं, अगर मैं मैनर्स हूं, नहीं मतलब मैं थोड़ा सा कमज़ोर समझ जाऊंगा मुझे लोग समझ नहीं. सुभान, लुक, रसूल अल्लाह ही इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मैन एवर, इवन दो हेटेड भी है लेकिन अभी भी अमंगस्ट मुस्लिम नॉन मुस्लिम. क्यों? क्योंकि ही हैड दैट, मतलब उनकी अथॉरिटी, एंड सो यू कांट क्वेश्चन, मतलब हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उनकी रिस्पेक्ट. तो अगर आप, क्योंकि हर लड़का, हर यंग लड़का जो देख रहा है, यूथ देख रहे हैं, मर्द देख रहे हैं, वो चाहते रिस्पेक्ट, हमारी मेरी रिस्पेक्ट हो, सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, फैमिली में रिस्पेक्ट हो, तो किस तरह वो फिर समझते हैं अगर मैं मतलब एक हो ना क्या जो चौधरी और गुस्से से बात करूं, चौधरी कॉम्प्लेक्स होना जरूरी नहीं है. एग्जैक्टली, ठीक है ना, मतलब चौधरी कॉम्प्लेक्स लोगों को मैं नीचे दिखाऊं, मैं ऊंचा हूं, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है, यू नो, ये मेरा, तो ये नहीं होगा. उल्टा आपकी Look at the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Again, just Iran कह रहे थे कि this is the way. तो अगर आप respect चाहते हैं तो ये अपनाएं, वो वाला style नहीं. Exactly. और morality का मतलब अपने morals पे काम करना, अपने character के ऊपर काम करना, वो meekness नहीं है. ठीक है ना, उसका मतलब ये नहीं कि आप weak हो जाएं, इसमें या बहुत shy हो जाएं, नहीं. जब वक्त आता है बोलने का, अपने स्टैंड लेने का, वो लें आप. वो कैरेक्टर का हिस्सा एक बहुत जरूरी. ठीक है ना, टू हैव अ गुड कैरेक्टर डजंट मीन जस्ट बिकम अ लिटिल वीजल. वो ना, जो ईसाई इनका प्रिंसिपल है कि अगर तो थप्पड़ मारे तो आप मतलब ठहर दी चीज. एग्जैक्टली, हमारे में वो नहीं कॉन्सेप्ट हमारा. हाँ, अगर एक तो है ना, क्योंकि हमें बताया गया अगर हमें हमारी फैमिली को अटैक करे, आपकी वाइफ को अटैक करे, आपकी इज्जत है हमारे, सुभानअल्लाह, एक इस्लाम में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो हमने कायम रखी, जो आई थिंक पाकिस्तानीज में भी है, एक गैरतमंद अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो उस अगर कोई अटैक करे अपनी फैमिली को, तो यू हैव अ राइट, आप फिजिकली उनको डिफेंस करें. ऑफ कोर्स हम ये नहीं कहते नहीं मैं चुप करें, ये ना चुप करके बैठ जाए, नहीं आप जो करना चाहते हैं, नहीं नहीं, ये जब मौका आता है तो मर्दानगी दिखानी पड़ती है. लेकिन वो मौके, वो भी इस्लाम डिफाइन करता है, वो भी शरीयत डिफाइन करता है, वो भी सुन्नत डिफाइन करता है. एब्सोल्युटली, बस यही मैसेज था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अल्हम्दुलिल्लाह, सो फोकस, इंशाल्लाह फोकस करें आप इन तीज, स्पेशली अगर आप यंग ब्रदर्स हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें. डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन ढूंढें, अपना मकसद ढूंढें, डिज़ायर्स पे कंट्रोल करें अपने, ठीक है, और अपनी डिस्पोजिशन पे काम करें, अपने कैरेक्टर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. ठीक है, दीज आर द थिंग्स आर गोना मेक यू ए मैन.
मैनहुड औरतों को प्रेस करने में नहीं आएगा, ठीक है ना, नीचे दिखाने में नहीं आएगा, या ज्यादा पैसे हो जाए या बहुत सारे मतलब अच्छी चीज दुनिया में, इन चीजों से नहीं होगा मैनहुड, एब्सोल्युटली नो। सो इंशाल्लाह होपफुली आप देखिए, अगर आपको इससे फायदा हुआ वीडियो से हमें बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगली बार मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।